कैसे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मित्र। स्वागत है सबका द्वारा आज की नई वीडियो पे। दोस्तों एक बात मैं आपको हर टाइम बोलता हूं कि भाई ये जो मैं चैनल बना के बैठा हूं, ये आपके लिए बना के बैठा हूं। कमेंट करो, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करो, वहां पे बताओ कि आपको किस चीज की इन्फॉर्मेशन चाहिए। जहां पे मेरा एक दोस्त था, उसने मेरे को कमेंट किया कि कैश मेमोरी क्या होती है और रैम कैश मेमोरी से कैसे अलग है। और कैश मेमोरी जब भी हम देखते हैं भाई, 1 MB की, चाहे प्रोसेसर की बात करो, जहाँ फिर हम CPU की बात करते हैं, 1 MB का कैश मेमोरी, 2 MB, 6 MB, जहाँ फिर 1 GB, 8 GB का कैश मेमोरी क्यों नहीं होता। ये सब जितनी भी बातें मैं आपको सिंपल देसी तरीके से समझाऊंगा। अगर भाई आप 7th, 8th, 5th क्लास के स्टूडेंट भी हो ना, जहाँ फिर उससे कम भी हो ना, तब भी आपको समझ आ जाएगा कि कैश मेमोरी होती क्या है, इसको ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ाया जाता, 1 GB, 8 GB क्यों नहीं किया जाता, रैम क्या होती है। बिल्कुल आपके दिमाग में ऐसा बिठा दूंगा कि कभी फ्यूचर में आप बोलोगे नहीं कि कैश मेमोरी क्या होती है। तो और भी जितनी भी सिंपल सिंपल चीजें होगी मैं ट्राई करूंगा आपको जहां पे बताने का। कैश मेमोरी को समझने के लिए सबसे पहले आपको रैम समझाऊंगा क्या होती है, क्योंकि फिर आपको कैश मेमोरी इजी समझ आ जाएगी। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि कैश मेमोरी को ज्यादा बड़ा क्यों नहीं किया जाता, इसको 1 GB, 2 GB क्यों नहीं किया जाता, 6 MB, 7 MB, 12 MB इतनी ही क्यों होती है। तो वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो को पूरा देख रहे, चलो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अभी आपको करना क्या है, स्क्रीन के ऊपर ध्यान रखने का, मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से पूरा प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा कि भाई कैश मेमोरी होती क्या है। सबसे पहले इसको समझने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको रैम को समझना पड़ेगा, हम एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। जहां पे आप देख सकते हैं, ड्राइंग थोड़ी मेरी अच्छी नहीं है, जहां पे आएगा हमारा CPU, ठीक है, जिसको हम CPU बोल सकते हैं या फिर प्रोसेसर बोल सकते हैं या फिर हम SoC प्रोसेसर बोलते हैं, हम जहाँ पे बात कर रहे हैं स्मार्टफोन की, तो जहाँ पे आप इसको प्रोसेसर भी समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे नीचे आती है हमारी यहाँ पे रैम, ओके, और इस साइड पे आएंगी हमारी जो स्टोरेज होती है, जो हमारी इंटरनल स्टोरेज है, ठीक है। तीन चीज़ों की आपको समझ आ गई। सबसे ऊपर हमारा जहाँ पे आएगा CPU, रैम आएगी और जहाँ पे आएगी हमारी इंटरनल स्टोरेज। अभी सबसे पहले यहाँ पे हमको रैम का मतलब समझने का कि रैम काम कैसे करती है, उसके बाद आपको कैश मेमोरी समझाएंगे, ठीक है। सबसे पहले होता क्या है कि हम जब भी किसी मोबाइल को, स्मार्टफोन को ऑपरेट करते हैं, सबसे पहले हम कमांड देते हैं। स्मार्टफोन को कुछ समझ नहीं आता कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना, जो भी काम करते हैं वो हम करते हैं। सबसे पहले हम जहाँ पे कमांड खुद देते हैं, सपोज जहाँ पे मेरे पास 2 फोल्डर पड़े हैं, 1 फोल्डर है ए, दूसरा फोल्डर जहाँ पे बी, ठीक है, और ए फोल्डर में मेरे पास पड़ी है 8 GB की फाइल पड़ी है, ठीक है, और मुझे इसको मूव करने का जहां पे बी फोल्डर में। अभी जस्ट सबसे पहले जहां पे सोच लो कि जहां पे मैं हूं, ये थोड़ा डायग्राम कुछ ऐसा है, आप ध्यान रखना। सबसे पहले मैंने यहां पे कमांड दी कि भाई मेरे को ए फोल्डर से जो 8 GB की फाइल पड़ी है मुझे मूव करानी है बी में, जो 8 GB की कोई वीडियो है मेरे ए फोल्डर में पड़ी है, तो मुझे जहां पे बी फोल्डर में उसको ट्रांसफर करने का, मूव करने का। ए फोल्डर को ओपन करने के बाद मैं सबसे पहले फाइल को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद मैं जहां पे क्लिक करूंगा मूव के ऊपर, जिस फोल्डर में मेरे को मूव करना है। जैसे मैं ऐसा काम करूंगा, जैसे सीधी जहां पे कमांड जाएंगी सीधे CPU के पास, मैंने कमांड दी CPU को, जो जहां पे आपका प्रोसेसर होता है, मैंने उसको कमांड दी कि भाई मेरे को जे काम करने का, 8 GB की वीडियो बढ़ी है ए फोल्डर से बी में मुझे ट्रांसफर करने का है। CPU ने समझ लिया कि भाई ठीक है, मेरे को एक इंस्ट्रक्शन सेट आया है, इंस्ट्रक्शन सेट मेरे को, आप समझ सकते हैं कि एक कमांड आई है, तो मुझे जहां पे इसको मूव करने का है। ये CPU क्या करता है कि हमारी लैंग्वेज को समझता है अपनी मशीन भाषा में, जैसे जो होते हैं 0101 जो बाइनरी होते हैं उसमें इसको कन्वर्ट कर देता है कि एक कमांड आई है। अभी भाई ये खुद तो ट्रांसफर कर नहीं सकता, जस्ट ये बात को समझ सकता है तो आगे ऑर्डर दे सकता है। ये जहां पे ऑर्डर देगा रैम को, रैम के पास अभी ये ऑर्डर आएगा कि रैम को बोलेगा कि भाई जहां पे 2 फोल्डर पड़े हैं हमारे इस स्टोरेज के अंदर, एक ए है दूसरा जहां पे बी है, तो ए के अंदर वीडियो पड़ी है 8 GB की, उसको ट्रांसफर करने का है बी में। तो ये बोलेंगी रैम, चलो ठीक है भाई हम ये काम जहां पे करते हैं। अभी रैम जहां पे इस बात को समझ के जाएगा इंटरनल स्टोरेज के अंदर, इंटरनल स्टोरेज से सबसे पहले क्या करेगा कि ए के अंदर जो जहां पे 8 GB फाइल पड़ी हुई है ना, उसको जहां पे ये क्या करेगा, पहले कॉपी कर लेगा। अभी जहां पे ए से लेके जब बी के अंदर जहां पे मूव होगी ना, सबसे पहले जहां पे ये होती है एड्रेस बस, इसको हम बोलते हैं एड्रेस बस। यहां पे क्या करती है, जब भी रैम किसी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है तो वो इसके थ्रू जाता है, बेसिकली जो हमारी रोड होती है ना उसको आप समझ सकते हैं कि भाई ये जहां पे रोड है। तो अभी रैम ने जहां पे क्या किया कि ए के अंदर जो 8 GB की फाइल है ना, सबसे पहले उसको उठाया और जे इसके ऊपर चल के वो लेके आ रही है, ये जहां पे एड्रेस बस है ना, इसके ऊपर जहां पे वो उसको लेके आ रही है। अभी जहां पे देखिए, जैसे उसने क्या किया कि बोलते हैं ना कि भाई रैम जो होती है वो डेटा को स्टोर नहीं करती, रैम डेटा को स्टोर करती है लेकिन वो करती है कुछ टाइम के लिए, जब तक वो डेटा को मूव नहीं करता डेस्टिनेशन फोल्डर में तब तक वो अपने पास होल्ड करके रखती है। जैसे जहां पे ट्रांसफर करने का बीच का जो टाइम होता है ना,
इसके अंदर जो जहाँ पे टाइम लग रहा है ना, उस टाइम में ये क्या डैम करिए कि 8GB की जो हमारे पास वीडियो है ना उसको होल्ड करके ये रख रही है। ऐसे ये यहाँ पे पूरी तरह से बी फोल्डर के अंदर कॉपी कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि हमारी जो रैम होगी बेसिकली उसका काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। बल्कि रैम का क्या है, किसी भी चीज़ को जो भी आप काम करते हो, जैसे बेसिकली क्या करते हो कि कोई आप बैकग्राउंड जो ऐप चलती हैं व्हाट्सएप के ऊपर, जो गैलरी से आप एक्सेस करते हो फोटोज़ को, उस फोटो को लेके व्हाट्सएप के अंदर डालना या फिर व्हाट्सएप के अंदर जो फाइल सेव है उसको जब सेव करते हैं अपनी इंटरनल स्टोरेज के अंदर, तब उसके अंदर जो प्रोसेस होता है उस टाइम के लिए जो जहाँ पे स्टोर करके डेटा को रखती है वो जहाँ पे रखती है रैम, इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसी ये काम होता है बेसिकली रैम का कि कुछ टाइम के लिए हमारी जो इंस्ट्रक्शन होती है उसको फॉलो करके जहाँ डेटा को मूव करना, कॉपी करना, या फिर जो बैकग्राउंड ऐप हमारे रन होते हैं ना, बहुत सारी एप्लीकेशन आपने देखा कि बैकग्राउंड रन होती रहती है, बहुत सारे गेम होते हैं उसकी फाइल होती है ना, उसकी फाइल को गैलरी से एक्सेस करके हमारी जो एप्लीकेशन के अंदर लेके जाना, या फिर जो भी गेम आपने खेली है पूरा गेम प्ले जब सेव होता है वो भी जहाँ पे हमारी रैम करती है इंटरनल स्टोरेज के अंदर। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं या फिर कोई ऐसी गेम होती है, जैसे फेसबुक की बात करो, या फिर इंस्टाग्राम की बात करो, यूट्यूब की भी बात कर लो, या फिर गूगल क्रोम जो आप डेस्कटॉप के ऊपर चलाते हो उसकी बात करो, वो क्या करता है जब आप उसको इंस्टॉल करते हो ना, तब जहाँ पे क्या होता है कि उसके अंदर आप देखोगे जब डाउनलोड करोगे तो वो फाइल कोई भी लगा लो, कोई भी एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर लगाओ, वो जस्ट जहाँ पे होगा 60MB का, 70MB का, 100MB का होगा, लेकिन स्लोली स्लोली भाई वो 1GB तक स्टोरेज जहाँ पे होता है वो कवर कर लेता है। तो यही मेन होता है क्योंकि उसके अंदर जो डेटा को भेजना या फिर लेके आना, तो ये सब काम होता है वो जहाँ पे रैम करती है। तो रैम का आपको जहाँ पे सिंपल समझ आ गया होगा कि रैम जहाँ पे काम क्या करती है। एक बात आपने और भी ध्यान में रखी होगी, कभी कभी बोलते हैं कि भाई इस मोबाइल के अंदर 8GB रैम है, इसके अंदर 12GB है, स्पीड ज्यादा देगा या फिर कम देगा। ये सब रैम के ऊपर तो भाई ठीक है, डिपेंड होता है। अगर जहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि अगर आपके पास जहाँ पे 16GB का रैम है, तो जहाँ पे आपको CPU ने कमांड दी कि एक जहाँ पे 32GB की फाइल है उसको ट्रांसफर करने का, तो आप जहाँ पे क्या करोगे कि 16GB आपकी रैम है तो ये जहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा, ये पैकेट में डेटा को ट्रांसफर करेगा, सबसे पहले 16GB को करेगा, उसके बाद जहाँ पे क्या करेगा कि फिर 16GB को करेगा। लेकिन ये पूरा रैम के ऊपर डिपेंड नहीं होता, ये होता है उसकी एक रैम होती है रैम की यहाँ पे क्लॉक फ्रीक्वेंसी, ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी है रैम के अंदर जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रहा है उसके अंदर जो ओसिलेटर जो ऐसी वेवलेंथ बनती है ना फ्रीक्वेंसी की, वो कितने मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर वो बन रही है। अगर क्लॉक फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तेज है तो डेटा भी ज़्यादा ट्रांसफर होगा। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि जो लेटेस्ट रैम आ रही है अगर वो 8GB की रैम है, तो जो पुरानी अगर 32GB की रैम है तो वो उससे भी फास्ट होगी, क्योंकि उसकी जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़्यादा होती है। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि भाई जहाँ पे कैश मेमोरी क्या होती है, ये देखिए जहाँ पे फिर से हमको वही डायग्राम बनाना पड़ेगा जहां पे आप प्रोसेसर लिख सकते हैं, कोई भी ट्रिपलेट प्रोसेसर लगा लो मोबाइल का, जहां पे सेम हमारी वो जहां पे क्या आता है रैम आ गया जहां पे हमारी जो इंटरनल स्टोरेज होगी वो जहाँ पे आ गई। अभी हमको जहाँ पे कैश मेमोरी समझना पड़ेगा। देखिए बेसिकली हुआ क्या, हमने जहाँ पे क्या किया कि मोबाइल के प्रोसेसर को बहुत सारी कमांड दे दी कि भाई एक काम ये भी कर, दूसरा काम ये कर, तीसरा काम ये कर, या फिर कोई ऐसे काम थे जैसे कि एप्लीकेशन होती है व्हाट्सएप की वो बैकग्राउंड रन होती रहती है कंटिन्यू, हम उसको कोई भी कमांड नहीं देते लेकिन वो फिर भी व्हाट्सएप चलाता रहता है। सपोज अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपके व्हाट्सएप के ऊपर ऑटोमेटिकली मैसेज आ जाता है या फिर फेसबुक मैसेंजर के ऊपर आ जाता है, क्योंकि ये सब जितना भी काम होता है प्रोसेसर को पता है कि बंदा बार बार करता है तो वो बैकग्राउंड जितनी भी एप्लीकेशन होती है उसको रन कराता रहता है। लेकिन बार बार प्रोसेसर जैसे बहुत सारी सेम कमांड आती है, सेम इंस्ट्रक्शन जब हम CPU को देते हैं, तो CPU बार बार जब रैम को देते हैं तो रैम जहाँ पे बोलती है कि भाई बार बार आप यही चीज़ बोलते हो, यही चीज़ बोल रहे हो, और साथ में इतने सारे आप कुमार लेके आ गए, इतने सारे इंस्ट्रक्शन सेट आ गए हैं, अभी मैं इसको एग्जीक्यूट कैसे करूं। तो फिर जहाँ पे क्या होता है कि बंदा एक स्कीम लगाता है, वो जहाँ पे क्या करता है कि एक कैश मेमोरी को जहाँ पे कर देता है, कैश मेमोरी यहाँ पे लगा देता है। तो जैसे जहाँ पे कैश मेमोरी लगा देता है ना, तो जहाँ पे प्रोसेसर क्या करता है कि इंस्ट्रक्शन हम बार बार देते हैं, सपोज हम फ्लिपकार्ट को ओपन करते हैं कोई ऐप को बार बार, या फिर फेसबुक को ओपन करते हैं, तो वो CPU जहाँ पे क्या करता है कि इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं ना, जो कमांड होते हैं ना, वो कैश मेमोरी के अंदर वो सेव करके रख देता है। अभी जहाँ पे क्या होगा, जैसे कोई कमांड आएंगी वो इंस्ट्रक्शन सेट ऑलरेडी इसके अंदर सेव होगा, जो हम बार बार खोलते हैं या फिर बार बार जिस ऐप को हम ओपन करते हैं, तो वो सीधा रैम के पास जाएगा। रैम जहाँ पे क्या करेंगी, वो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगी और जहाँ पे जो भी हमारा प्रोसेस होगा वो जहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसको जहाँ पे सीधा प्रोसेसर से कोई भी इंस्ट्रक्शन लेने की जरूरत नहीं है, वो सीधा जहाँ पे कैश मेमोरी से इंस्ट्रक्शन लेगा और उसको जहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा। इसलिए जहाँ पे कैश मेमोरी को यूज किया जाता है कि जल्दी से जो भी हमारा काम होता है वो फास्ट हो जाता है। इसलिए जहाँ पे जो रैम होता है इंस्ट्रक्शन सेट होती है वो जहाँ पे कैश मेमोरी में लेता है। अभी आपने एक चीज नोटिस की होगी,
जब भी यहाँ पे क्या होता है कि बार बार अगर आप कोई भी ऐप को ओपन करते हो, सपोज मैंने फ्लिपकार्ट को ओपन किया 3-4 बार 5 बार किया, तो वो जो उसका इंस्ट्रक्शन सेट होगा वो यहाँ पे सेव हो जाएगा कैश मेमोरी के अंदर। जब भी हम दोबारा उसको ओपन करेंगे तो जहाँ पे रैम क्या करेंगी, सीधा कैश मेमोरी से वो इंस्ट्रक्शन सेट उठाएंगी और उसको ओपन करेंगी। लेकिन जहाँ पे एक चीज आपने नोटिस की होगी, अगर आप फ्लिपकार्ट को अभी ओपन करते हो 10 मिनट बाद फिर ओपन करोगे तो वो जो पेज होता है वो उसका रिफ्रेश नहीं होगा। जहाँ फिर फेसबुक की बात करो, जैसे आप उसको स्वाइप करके नीचे करोगे फिर वो जहाँ पे रिफ्रेश होगा, जो करंट इन्फॉर्मेशन होगी फिर आपको जहाँ पे मिलेंगी, नहीं तो पहला जो पेज आपने खोला था वो ही पेज जहाँ पे खुल के आ जाएगा, क्योंकि उसका जो जहाँ पे कैश मेमोरी के अंदर जो जहाँ पे स्टोर हुआ होता है इंस्ट्रक्शन और वो जहाँ पे जो हमारी रैम होती है उसके हिसाब से वो हमको डिस्प्ले कराती है कि पहले आपने जे खोला था। जैसे हम उसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं फिर जहाँ पे सीधा जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होती है, नेक्स्ट जो कमांड होती है वो जहाँ पे आती है सीधा CPU के साथ। तो ये जहाँ पे मेन काम होता है कैश मेमोरी का, जिससे कैश मेमोरी से क्या होता है कि एक तो आपका काम जल्दी होता है, कुछ भी जो काम आप बार बार करते हो वो जहाँ पे स्टोर हो जाता है कैश मेमोरी के अंदर। आगे मेरा दोस्त एक सवाल पूछता है कि भाई कैश मेमोरी 3 MB, 4 MB, 6 MB की इतनी ही क्यों होती है, इसमें 8 GB, 12 GB क्यों नहीं बनाया जाता, क्यों अगर इसको ज्यादा इंप्रूव किया जाए तो हमारा जो प्रोसेसर की स्पीड होगी वो ज्यादा हो जाएगी। ये मैं आपको समझाता हूँ। इसको समझने के लिए देखिए एक नई डायग्राम मैं बनाता हूँ। डायग्राम मेरी अच्छी नहीं है, वो मैंने आपको पहले भी बता दिया। जी हमारा आ गया प्रोसेसर, जैसी तरीके से जल्दी से मैं आपको समझा देता हूँ। जी आ गई हमारी रैम, जी आ गया हमारा इंटरनल स्टोरेज, ठीक है, और जहाँ पे बेसिकली है हमारी कैश मेमोरी, जहाँ पे आ गई हमारी कैश मेमोरी। डायग्राम अच्छी नहीं बनी, मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया। अभी देखिए कैश मेमोरी को तो आगे, अभी आपने पूछा कि भाई ये कैश मेमोरी को 1 GB, 2 GB इतनी क्यों नहीं होते, जस्ट जहाँ पे 1 से लेके 3 MB तक इतनी कम क्यों होती है। अभी मैंने जहाँ पे इसको बोला कि भाई अब हमको जहाँ पे 8 GB की फाइल मूव करानी है ए फोल्डर से बी में, ठीक है, ये जहाँ पे मैं हूँ, मैंने इसको बोला CPU को, CPU यहाँ पे प्रोसेसर बोलो, मैंने प्रोसेसर को बोला कि भाई मुझे करानी है। अभी मैंने उसको फाइल थोड़ी दी है कोई, मैंने उसको एक इंस्ट्रक्शन दिया। इंस्ट्रक्शन होती क्या है आपको पता होगा, आपने अगर पढ़ा ऐसे मूव हैश इंक्लूड मूव ए फोल्डर बी, ऐसे करके आपने एक इंस्ट्रक्शन देखी होती है जो बेसिकली प्रोग्राम होते हैं, मैंने उसको प्रोग्राम में दिया, ठीक है। अभी जहाँ पे ये प्रोग्राम जो होता है ना भाई, ये जहाँ पे होता है 1 बिट का इतनी मेमोरी स्टोर करेगा, जहाँ फिर ज़्यादा से ज़्यादा 5 बिट, जहाँ फिर 6 बिट। अगर मैं इसको 10 कमांड देता हूँ लगातार, एक मेरे को गेम ओपन करके दे, एक मेरे को फ्लिपकार्ट ओपन करके दे, एक मेरे को दूसरी एप्लीकेशन ओपन करके दे, मैं 5 से ही देता हूँ, इसके ज़्यादा तो मैं दे भी नहीं सकता, हमारा फोन हैंग हो जाएगा, ये तो बात आपको पता है। सपोज मैंने 10 कमांड भी दे दी, 1 कमांड जो होती है हमारा वो डेटा स्टोर करती है 1 बिट का। सपोज अगर ज़्यादा भी दे दिए, मैंने इतने कमांड तो वैसे देता नहीं कोई भी, मैंने इसको 1 MB जितने अगर मैं इसको इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ ना, तो जहाँ पे ये क्या करेगा कि भाई जस्ट इसको स्टोर इंस्ट्रक्शन करने का कैश मेमोरी को, उसको डेटा थोड़ी स्टोर करने का है। अगर 8 GB का फाइल स्टोर हो रहा है या फिर मूव हो रहा है तो वो जहाँ पे रैम करेंगी ना, वो रैम उसको लेके दूसरे फोल्डर में जाएंगी, जहाँ फिर इंटरनल स्टोरेज उसको स्टोर करेंगी। कैश मेमोरी तो जस्ट जहाँ पे इंस्ट्रक्शन स्टोर करते हैं उसको ज़्यादा जहाँ पे मेमोरी की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ज़्यादा मेमोरी हम देते हैं तो उसका कोई फायदा भी नहीं है। सपोज मैंने जहाँ पे दे दिया इसको 8 GB बना दी मैंने कैश मेमोरी, ओके, अभी मैंने जहाँ पे कैश मेमोरी को यहाँ पे 8 GB तो बना दिया। अभी देखिए मैं जहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, मैं इसको 10 इंस्ट्रक्शन दे के भी 1 MB मेरा जहाँ पे पूरा फिल नहीं हो रहा है, तो मैं 8 GB क्या करूँगा। अगर 8 GB खाली भी रहेगा तो पहली बात तो इतना बड़ा अगर हमको कैश मेमोरी बनाना पड़ेगा तो एक तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट होगी, प्रोसेसर का प्राइस हाई हो जाएगा, जिसके कारण इसका कोई मतलब ही नहीं है बनाने का। तो ये इन फ्यूचर में हो सकता है कि जब एक साथ से बंदा मल्टीटास्किंग बहुत सारे करता है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन CPU को देता है, CPU से हैंडल नहीं होते, CPU कुछ जहाँ पे कैश मेमोरी के अंदर स्टोर करके रखता है, मतलब कि बहुत ऐसा होता है कि जब कोई हाई कंप्यूटर होते हैं ना सुपर कंप्यूटर में अंदर, वहाँ हो सकता है कि कैश मेमोरी बड़ी यूज की जाती होगी, क्योंकि जहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो एक ही सर्वर के ऊपर होते हैं तो उसके अंदर कैश मेमोरी को यूज किया जाता होगा। लेकिन जहाँ पे सिंपल एक मोबाइल के प्रोसेसर के ऊपर ज़्यादा कैश मेमोरी की कोई जरूरत नहीं है, उसको कोई डेटा स्टोर नहीं करना, कोई उसको बस इंस्ट्रक्शन स्टोर करनी होती है जो बेसिकली एक कमांड होती है, तो यही मेन कारण है जो मैंने आपको बताया कि रैम क्या होती है, कैश मेमोरी क्या होती है और कैश मेमोरी ज़्यादा डेटा, कैश मेमोरी ज़्यादा मेमोरी की क्यों नहीं होती है। तो अगर भाई आपको कोई भी इसी तरह किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी तो मुझे बता देना, मेरी तरफ से तो मैंने पूरा ट्राई किया सिंपल देसी तरीके से आपको समझाने का, अगर कुछ और भी आपका सवाल है तो प्लीज मेरे को कमेंट कर देना। दोस्तों यही था जो मैंने आपको बताया कैश मेमोरी के बारे में और रैम के बारे में। कोई भी आपका सवाल है किसी भी तरह का तो भाई कमेंट करें, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करें, जो भी आपके सवाल होंगे मैं उसके ऊपर ट्राई करूंगा जरूर एक नई वीडियो बनाने का। तो वीडियो अच्छी लगी, कोई नई इंफॉर्मेशन देखने को मिली या फिर कुछ अच्छा सीखने को मिला ना, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। जो दोस्त पहली बार मेरे चैनल के ऊपर आए, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज थोड़ा सा टाइम निकाल के सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।